अब बात करेंगे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में 18 लाख रुपए की मुबैना करप्शन का केस सामने आया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे उमेर चौधरी से। जी उमेर बताइएगा। जी बिल्कुल, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से पेश किया जाने वाला दूध के एटीएम का नया ट्रेंड करप्शन की नजर हो गया। लाखों की मशीन नकारा हो गई। 8 लाख रुपए मालियत की मशीन तुर्की की एक निजी कंपनी से महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को तोहफे में दी गई, जिसे बोर्ड की जानिब से ऑपरेशनल किया गया और शहरियों की जानिब से इस एटीएम मशीन के जरिए दूध हासिल करने के ट्रेंड को सराहा गया। लेकिन तोहफे में मिलने वाली मशीन जो है इसकी इफ्तिताही तकरीब में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से 21 लाख रुपए का खर्च कागजों में जाहिर किया गया और उसमें तकरीबन 18 लाख रुपए की करप्शन की गई। बोर्ड के अफसरान की जानिब से करप्शन करना और चलते हुए प्रोजेक्ट पर ध्यान न देना। शुक्रिया आपका। मैं चौधरी, तफसीलात से आगाह करने के लिए।